नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आज पूरी मुल्क कोरोना की चपट में है। मुबारकबाद के पूछता है कि हिंदुस्तान के लोग जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, और हमें यकीन है कि हम लोग कोरोना वायरस को हरा देंगे। सबसे ज्यादा झारखंड के लोग मुबारकबाद के पूछते हैं कि जहां अब तक एक भी पॉजिटिव लोग नहीं पाए गए। आज हमारे साथ झारखंड के एक मिनिस्टर हाजी हुसैन अंसारी साहब, आइए उनसे बात करते हैं कि जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं उसके लिए उनकी सरकार की क्या रणनीति है। जो लोग हमारे झारखंड स्टेट के बाहर में फंसे हुए हैं, चाहे कोई स्टेट हो, महाराष्ट्र हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, सारे के लिए, हर स्टेट के लिए झारखंड सरकार सचिव लेवल के अफसर को रिपोर्ट कर दिए है को देख रेख के लिए, और अपना वो देख रहे हैं, सब हाल चाल दे रहे हैं, और सारा व्यवस्था कोई परेशानी नहीं हो उसका व्यवस्था प्राधिकारी हो सब कर रहा है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि कुछ लोग बाहर जो गए थे मधुपुर काम करने के लिए, वो फंसे हैं, वो कह रहे हैं कुछ दिनों का मेरे पास पैसा, उस वक्त पैसा खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ इंतजाम कुछ कर जो जो अफसर रिपोर्ट किया गया वहाँ पर, जो बड़े अफसर रिपोर्ट किया गया, उस सबकी जिम्मेवारी है, तो सबके वो हिसाब देखेंगे, और जो परेशानियां उसको है सबको दूर करेंगे। ये जिम्मेवारी हमारे झारखंड सरकार की है, जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उसको सारा व्यवस्था वो किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जो बाहर से मधुपुर आए हुए थे और वो यहाँ फंसे हुए हैं, बंगाल जाना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या इंतजाम है? उसके लिए यहाँ पर सरकारी व्यवस्था हो रहा है। जो लोग हमारे बाहर फंसे हुए हैं, मजिस्ट्रेट जैसे बाहर में गाड़ी यहाँ अपना किराए पर करके उसका नंबर दे के हम उसको भेज रहे हैं, और वहाँ से लोग सब लोग वापस वापस आ रहे हैं। जो हमारे बंगाल के लोग मधुबन फंसे हुए हैं या झारखंड फंसे हुए हैं, उसके लिए वही व्यवस्था है, गाड़ी में गाड़ी का नंबर दे के किराए पर दिखाते हैं, उसका हम अपने पेज पर एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं, ताकि उसको कहीं प्रशासन परेशान नहीं करे, नहीं रोके, बल्कि वो सहयोग करे। और हम सभी पदाधिकारी से, एसपी, जिला स्तर के अफसर से अपील करते हैं कि आप उसको सहयोग करें, लोग अपने जगह पर पहुंचाने के। काला बाजारी हम लोग देख रहे हैं बढ़ता हुआ जा रहा, 100 रुपए का सामान 200 रुपए जो बढ़ता है, उस पर सरकार उसके लिए क्या सरकार लगे हुए है, किसी भी हाल में लोगों को परेशान नहीं करने दिया, जो करेंगे वो अपना सजा के बाद उसको सजा मिलेगी, और हाल में लोगों को कैसे मुहैया किया जाए बेहतर तरीका से, ये सरकार कर रही है। हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ पे पुलिस का भी बहुत रोल है, वो भी उसके भी जो जवान वो मेहनत करके लोगों को रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपके मधुपुर में हम लोगों ने देखा कुछ जगह पुलिस ने लाठीचार्ज की, लोग जख्मी कुछ लोग कुछ लड़के लोग घूमने जा रहे हैं, लड़का को दुश्मनी से नहीं मार रहे हैं, वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और जो खामखा घूमने जा रहे हैं उसको मानते हैं कि अपने घर पर रहे, बाहर नहीं निकले, अगर मारा है तो लोग तो रोकेंगे, कहेंगे आज देखिए मारा है, वहाँ पर एक अफसर को सस्पेंड कर दिया गया, वहाँ पर मैं उसको हाजिर कर नया हाजिर कर दिया है। जो गलती करेगा, चाहे अफसर हो, पुलिस हो, जो उसको सजा मिलेगी। आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आखिर में एज ए मिनिस्टर झारखंड के लोगों से आपकी क्या अपील है? अपील जो अपना है इस बीमारी से वो करना पड़ेगा, आपको जो जो हिफाजत से रहना पड़ेगा, जो दिशा निर्देश सरकार चाहती है उसको फॉलो करना पड़ेगा, देश लेवल में आओ, स्टेट लेवल में आओ, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि कोई भी लोग परेशानी में नहीं पड़े। हमने देखा बहुत से लोग हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, आपके असेंबली का है, वो बाहर है और वो चाह रहे आपसे बात करना, तो वो लोग कैसे, किस तरह से आपसे बात करना है? हमसे बात कर रहे, सारे लोगों से बात कर रहे, हमारा मोबाइल भी बंद नहीं होता है, हमारा दिन रात भी बंद है, जब भी फोन करता है हम तो रिसीव करते हैं, तो बात करते हैं, तो जो वाजिब सजेशन को देते हैं, जो जहाँ पर है वो बात करते हैं, तो आने की व्यवस्था होता है तो उसको आने में हम सुविधा देते हैं।